मॉर्निंग्स, मैं अंजलि, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। और आज की इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से आप सभी वाकिफ हैं। बच्चन फैमिली, जो कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैमिलियों में जिनका नाम शुमार है, उसमें यहाँ पर बच्चन फैमिली भी नजर आती है। वही बात की जाए यहाँ पर बच्चन फैमिली को लेकर, तो जिस तरीके से अमिताभ बच्चन को लेकर लगातार कई खबरें वायरल होती हैं, तो इसी बीच अमिताभ बच्चन को लेकर एक और खबर जो तूल पकड़ती नजर आ रही है, वो एक एक्ट्रेस से जुड़ी है जिनका नाम है स्मिता पटेल। दरअसल अमिताभ बच्चन ने स्मिता पटेल के साथ शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद स्मिता पटेल रात भर रोती रही, एक कोने में आहें भरती रही और अकेली बैठी रही और रात भर गिल्ट में रही और रोती और सिसकती रही अकेले कमरे में बैठकर। दरअसल बात की जाए तो यहाँ पर बताते चले कि स्मिता पटेल बड़े घराने से ताल्लुकात रखती थी। उनके पिता महाराष्ट्र के मंत्री थे, लेकिन स्मिता एक साधारण जीवन जीती थी। बचपन में ही उनका रुझान एक्टिंग की तरफ था। ऐसे में उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे में वह महज 31 की उम्र में ही दुनिया को छोड़कर चली गई थी। स्मिता ने अपने करियर में हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया। उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म नमक हलाल में काम किया। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया, लेकिन एक सीन के दौरान स्मिता पटेल खूब रोईं। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया। जानते हैं कि चलिए कि स्मिता पटेल और अमिताभ बच्चन से जुड़ा आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल पॉपुलर गाने आज रपट जाए में स्मिता के अमिताभ बच्चन के साथ कई तमाम रोमांटिक सीन्स थे। बारिश में भीगते हुए दोनों ने कुछ बेहद सेंसेशनल सीन दिए जो आज भी बॉलीवुड की सेंसेशन बने हुए हैं। बारिश में भीगते हुए ऐसे पोज दिए। वहीं पर बात की जाए कि जब गाने की शूटिंग पूरी हुई तो एक्ट्रेस घर पहुंचकर अपनी मां की गोद में जमकर रोई थी। रोमांटिक सीन देकर असहज हुई एक्ट्रेस रात भर पछतावे में रोती रही थी। बाद में एक्ट्रेस गुमसुम रहने लगी। इस बात की जानकारी मिलने पर अमिताभ बच्चन ने स्मिता को समझाया कि वो इस ऐप से परेशान ना हो, क्योंकि स्क्रिप्ट और गाने की डिमांड थी। बिग बी ने उन्हें असहज महसूस करवाया और एक्ट्रेस ने दोबारा शूटिंग शुरू कर दी। उसके बाद दोनों की दोस्ती भी गहरी हो गई थी। प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी फिल्म नमक हलाल एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और साथ ही दोनों के गाने को भी दर्शकों ने खूब सराहना मिली। इसके बाद स्मिता और अमिताभ की दोस्ती काफी गहरी होती चली गई। बता दें, महज 31 साल की उम्र में स्मिता पटेल का निधन हो गया। 13 दिसंबर साल 1986 को स्मिता पटेल इस दुनिया से रुखसत हो गई। और इस तरीके से अमिताभ बच्चन के साथ उनका ये नाम जुड़ता नजर आया। किस तरीके से अमिताभ बच्चन और स्मिता पटेल के बीच एक गलतफहमी हो गई थी, जिस बारे में सोचकर स्मिता पटेल रात भर रोती रही। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट नाइन लाइव।